नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो है 22 फीट बाय 42 फीट का एक हाउस प्लान आपके लिए लाया हूँ, जिसका डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। काफी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान है। सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझाऊंगा, उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझाऊंगा। तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक्सटीरियर वॉल जो है 9 इंच के लिए है और इंटीरियर वॉल जो है हमने 4 इंच के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ ओपनिंग, मतलब डोर और विंडोज का साइजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या तो फिर वीडियो को बाद में रिपीट कर लीजिए। उसके बाद में डायरेक्शंस और कस्टमर्स का नेम हमको नजर आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर का। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा मेन रोड रहेगा और मेन रोड से एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा। तो गेट से हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है। 9 फीट 2 इंच बाय 15 फीट 11 इंच की हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है, मतलब यहाँ पर जो है हम आराम से हमारी कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक डोर नजर आ रहा है और यहाँ से हमने सीढ़ी स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा वरांडा रख सकते हैं और इस वरांडे पर चढ़ने के लिए इस साइड से हम स्टेप्स रख सकते हैं। तो देखिए हमारी सीढ़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर टर्न करेंगे, उसके बाद में यहाँ से टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, मतलब ये पार्किंग के ऊपर जो हमारा छत रहेगा, जो स्लैब रहेगा, हम वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर का प्लान हम यूज करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आप, ये पार्किंग के बाजू में यहाँ पर हमें स्टेप नजर आ रहे हैं। अब ये जो स्टेप है, इस स्टेप से हम चढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें हॉल नजर आ रहा है। अब ये जो हॉल है इसका साइज है 11 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का और यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो हमने लगा दिया है। तो देखिए हॉल से ही हम स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक डोर दिया है। अगर आप चाहे तो ये डोर क्लोज भी कर सकते हैं या तो ओपन भी रख सकते हैं। अब ये जो पूरा प्लान है हमने कस्टमर के लिए बनाया था और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया था, तो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उनके हिसाब से ही हमने पूरा प्लान बनाकर दिया था। तो देखिए हमारी सीढ़ी जो है यहाँ से हम यूज कर सकते हैं और बाहर से भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल अगर आपको किराए के हिसाब से देना हो तो ये स्टेयरकेस जो है काफी यूजफुल रहेगी, क्योंकि ऊपर वाली फैमिली का आना जाना जो रहेगा वह बाहर से ही रहेगा, हमारे नीचे वाले फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हम हॉल से ही पीछे की साइड में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें एक किचन मिल रहा है। किचन का डोर जो है यहाँ पर दिया है और किचन का साइज है 12 फीट बाय 7 फीट 6 इंच का और किचन को यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, तो यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो किचन को एक छोटा सा विंडो यहाँ पर भी लगा सकते हैं ताकि डोर पर कौन है यहाँ पर हमें किचन से डायरेक्टली नजर आए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फीट का पैसेज है पीछे जाने के लिए, मतलब काफी बड़ा और बेहतरीन सा पैसेज है। तो यहाँ पर आपको पीछे साइड में आते हैं तो देखिए फिर से आपको एक डोर नजर आ रहा है, ये जो डोर है हमारे इस बेडरूम का डोर है। अब ये जो बेडरूम है इस बेडरूम का साइज जो है 13 फीट बाय 12 फीट का है। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है और जिसका साइज है 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का, मतलब हम लिविंग रूम से या तो किचन से हम डायरेक्टली ये टॉयलेट और बाथरूम यूज कर सकते हैं, हमें किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में उसको जो है यहाँ पर पीछे साइड में एक वेंटिलेटर दिया गया है, यहाँ पे एक ओपन डक्ट रखा है वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ से इस अटैच वाले बाथरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। लास्ट में जो है हमारा जो बेडरूम है 13 फीट बाय 12 फीट का, इसको एक विंडो यहाँ पर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट में 3 फीट 2 इंच की जगह इस साइड में छोड़ी है, मतलब लेफ्ट साइड में जो है 3 फीट 2 इंच की जगह छोड़ी है, लेकिन पीछे साइड में कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है, खाली एक ओपन डक्ट रखा गया है। तो 22 फीट जो है इसका फ्रंट था, उसके बाद में इसका जो लेंथ था 42 फीट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको बाद में जो है समझने के लिए आसान हो। उसके बाद में इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी बड़े और बेहतरीन सा प्लान है, हो सकता है आपको ये प्लान पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग आप फिर से देख सकते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ये पोर्च दिया गया है, तो ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर इस पोर्च पर होने वाली है। 9 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 5 इंच का यहाँ पर हमें पोर्च मिल रहा है, मतलब ये पूरा बालकनी हमें मिलता है। यहाँ पर हम हमारा एक छोटा सा झूला वगैरह भी लगा सकते हैं, चेयर्स वगैरह भी डालकर बैठ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो आपको नजर आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा डोर नजर आ रहा है। अब ये जो डोर है 4 फीट 10 इंच का है अंदर, उसके बाद में हम एंट्री करते हैं इस डोर से, तो यहाँ पर हमें बेडरूम मिल रहा है।
9 फीट बाय 11 फीट 2 इंच का हमें यहाँ पर साइज मिलता है। उसके बाद में 15 फीट 4 इंच जो है यहाँ पर हमें लेंथ मिलता है और यहाँ पर 8 फीट 1 इंच का जगह हमें विड्थ मिलती है। तो काफी बढ़िया और बेहतरीन सा बेडरूम का साइज दिया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, फिर से आपको एक हॉल नजर आ रहा है 14 फीट 2 इंच बाय 7 फीट 11 इंच का। इस हॉल का साइज दिया गया है और यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 6 फीट बाय 11 फीट का, मतलब काफी बड़ा और बेहतरीन सा साइज दिया गया है, जिसे इस साइड में वेंटिलेटर बताया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर आपको किचन नजर आ रहा है 8 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 8 इंच का हमें किचन नजर आ रहा है और किचन को एंट्री हमारी इस हॉल से ही होती है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको एक डोर नजर आ रहा है, ये जो डोर है हमारी बेडरूम का डोर है। और ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज है 11 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का, मतलब काफी बड़ा साइज है। उसके बाद में इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 4 फीट बाय 8 फीट 8 इंच का, जो अंदर से यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 22 फीट बाय 42 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें यह पूरा प्लान हमने बिठा है। तो ऊपर आप देख सकते हैं एक हॉल, एक बेडरूम और एक किचन दिया गया है। उसके बाद में एक बेडरूम जो दिया गया है, जिसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, मतलब ऊपर भी काफी बड़े और बेहतरीन सा प्लान दिया है। आशा करता हूँ आज का ये जो प्लान है आपको डिटेल में समझ में और पसंद आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है उनके प्लान के लिए, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।